राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। चक्रवात जवाब को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, कई राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में अगले आदेश तक स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आप सरकार ने लिया फैसला। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा से कांग्रेस और तृणमूल का हुआ वॉकआउट। अमेरिका तक पहुंचा ओमिक्रॉन, भारत में हाई रिस्क वाले देशों से आए 6 यात्री निकले कोरोना संक्रमित। SBI ने मिलाया अडानी कैपिटल से हाथ, किसानों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा लोन। अब तक राज्यों को मिली 138 करोड़ कोरोना वैक्सीन, केंद्र से बूस्टर डोज की मांग। MV कवरत्ती समुद्री जहाज में लगी आग पर पाया गया काबू, सभी 624 यात्री व चालक दल के सदस्य सुरक्षित। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में बूस्टर डोज की तैयारी, सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मांगी इजाजत। अब चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होगी RT-PCR की सुविधा, विदेशी यात्रियों के लिए जारी हुई नई SOP। बैंकों का बढ़ रहा NPA, देश की बैंकिंग व्यवस्था के अस्तित्व के लिए है खतरा। 24 घंटे में सामने आया कोरोना संक्रमण के 9,765 नए मामले, 400 से ज्यादा मरीजों की गई जान। बिहार बनेगा भारत का धनी राज्य, देश में मिला सबसे बड़ा सोने का भंडार, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। 31 दिसंबर से बंद हो जाएगा दूरदर्शन के आगरा केंद्र से प्रसारण, फ्री डिश व अन्य DTH प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे DD के चैनल। अब छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों को मिलेगा बोतल बंद पानी, रेलवे ने बनाई रणनीति। मॉस्को पहुंची उड़ान, वापस आए काबुल में फंसे रूस व अफगानिस्तान के नागरिक। अब तक 23 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन, अफ्रीका पश्चिमी प्रशांत और यूरोपीय क्षेत्रों में बढ़े मामले। DNRC सहित RTO से जुड़े कामों की समय सीमा 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई। 12 सांसदों के निलंबन मामले में विपक्ष के प्रदर्शन से नायडू खफा, बोले 1962 में हुई थी इसकी शुरुआत। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर जोरदार हमला, विपक्ष का नेतृत्व आपका दैवीय अधिकार नहीं। RBI ने क्रिप्टो करेंसी को बताया बड़ा खतरा, इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने डिजिटल मुद्रा का किया समर्थन। बेरोजगार युवाओं की हालत पर विफ्री वरुण गांधी, देश की परीक्षा प्रणाली पर खड़ा किया प्रश्न चिन्ह। सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, वायु प्रदूषण रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर योजना बताएं केंद्र व दिल्ली सरकार। गुजरात के ऊना हार्बर में डूबी 8 नाव, करीब 10 लोग हुए लापता, राहत बचाव कार्य जारी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण हुआ बेलगाम, एक हफ्ते में 400% बढ़ा संक्रमितों का आंकड़ा। इतिहास में पहली बार 800% टिकाऊ विमान ईंधन का उपयोग कर यात्रियों से भरे विमान का संचालन करेगी अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस।